गौसे आजम अपने वाकये से दुनिया की हालत बता रहे थे। ऐ लोगों, जिस तरह मेरे घर में आज मेरे खाने से पहले दही का मटका टूट गया और दही बह गया, सबकी हालतें तकरीबन ऐसी होती हैं। इंसान अपने लिए इतना कमाता है, माल जमा करता रहता है, और जब उसके खाने का वक्त आता है, मलकुल मौत पंजा मारकर रूह निकाल लेता है और सारा माल उसका धरा का धरा। ग्राम वकार आज सुल्तानुल औलिया गौसुल आजम की बारगाह में हम खिराज अकीदत पेश करने आए हैं। जो बातें मैं अर्ज कर रहा हूं वो गौर से सुने। करामात ये औलिया इकराम की जिंदगी का हिस्सा है, अल्लाह की तरफ से उन्हें दिया गया। करामत क्या है? ऐसा मुहय्यिरुल अकूल काम, अकल को हैरत में डाल देने वाला काम जो आम इंसान नहीं कर सकता, आम इंसान की अकल में ना आए, अल्लाह के वली से सादिर होने वाला ऐसा कोई काम उसको करामत कहते हैं। लेकिन करामत औलिया इकराम की विलायत को साबित करने के लिए जरूरी नहीं। औलिया इकराम की विलायत को साबित करने के लिए करामत नहीं दिखाई जाती, शरीयत पर इस्तिकामत ये विलायत की अलामत है। अगर वो मजबूती के साथ हर जमाने में अपने दीन पर जमा हुआ है वो अल्लाह का वली है, वो अल्लाह का वली है। आज भी हमारी कौम औलिया को ढूंढने पर लगी हुई है। सुनो, अल्लाह का वली ढूंढना चाहते हो तो ढूंढने के लिए निकलते हैं और पीछे पड़ जाते हैं, देखते हैं ये ठोकर मार करके सोने का सिक्का निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है। औलिया को इन्हीं बातों पर आज भी लोग परखते हैं, सोचते हैं कि अभी बाबा आसमान पर उड़ेंगे तो मैं समझ लूंगा अल्लाह के वली हैं, पानी पे चल के दिखाएंगे तो मैं समझ लूंगा अल्लाह के वली हैं, मैं यहीं बैठा हूं अचानक मेरे पास पैसों का थैला खोल के दे दें अल्लाह के वली होंगे। यानी तुम एक जगह बैठे रहो, हलवा खिलाने वाले बाबा जिसको तुम समझोगे अल्लाह का वली है। मेरे अजीजों, ये जो चीजें तुम समझ बैठे हो अल्लाह के वली के लिए, ये जरूरी नहीं, बल्कि ये देखो कि वो नबी पाक की शरीयत पर कितना कायम है, मेरे नबी के रास्ते पर कितनी मजबूती से जमा हुआ है। मैं आपको पूछता हूं, सैयदुश शुहदा इमाम अली मकाम इमाम हुसैन आजम से बढ़कर अल्लाह का वली कौन? अल्लाह का वली कौन है? सारे औलिया इकराम की निस्बत वहां जाकर खत्म होती है। उस हुसैन आजम को देखें करबला के मैदान में अपने बच्चों की कुर्बानी के सामने भी जमे रहे, डटे रहे, करामत का इजहार नहीं किया, शरीयत पर इस्तिकामत लोगों को दिखाया। दुनिया में जैसी भी आफतें आ जाएं, मुसीबतें आ जाएं, अगर दीने मुस्तफा पर जमा हुआ है, इस्तिकामत के साथ खड़ा हुआ है, वो उसकी सबसे बड़ी विलायत है, वो सबसे बड़ा वली है। अल्लाह का वली वो है जो शरीयत पर जमा हुआ है, डटा हुआ है, कायम है। और करामात औलिया इकराम की जिंदगी का एक छोटा हिस्सा है, छोटा हिस्सा है, और इस्तिकामत ये बहुत बड़ा हिस्सा है। जमे रह जाना किसी बात पर, खौफ ना खाना बातिल ताकतों से, न डरना इन जालिमों से, ये औलिया इकराम की जिंदगी का खास वतीरा है। आज हम सबको जिस चीज की जरूरत है वो करामत की नहीं, इस्तिकामत। करामतें सुनते भी आया, अब करामत से आप ये समझते हैं कि काया पलट जानी चाहिए। लोग आज मजाक भी करते हैं, कुछ वो मॉडर्न ख्याल के डॉक्टरों और प्रोफेसरों के लेक्चर सुन करके पागल जो हो चुके हैं सोशल मीडिया पर, वो भोंकते हैं करामात औलिया पर। क्या अब करामात क्यों नहीं दिखाते अल्लाह के औलिया? ये जो हालात बदले हुए हैं, इन हालात में इनकी करामतों से जमीन क्यों नहीं पलट जाती? जालिमों के मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ जाते? मेरे अजीजों, पूरी दुनिया करामात से नहीं चलाई जाती। वल्लाह मुसब्बिबुल असबाब, असबाब पर रखा है। एक मशहूर जमाना बुजुर्ग हजरत मोहम्मद जाम रहमतुल्लाह अलैह बगदाद के हलाकू के जमाने के थे। हलाकू बादशाह जिसने बस्तियों की बस्तियां वीरान कर डाली और इतने कत्ल कर दिया था, जहां से गुजरता था इंसानों की खोपड़ियां। उसका जब बगदाद पर हमला करने का इरादा हुआ तो बगदाद से कई मील दूर उसका लश्कर लेकर वो पड़ाव किया और अपने दो सिपाहियों को बगदाद का मुआयना करने के लिए भेजा, और उसकी दहशत तारी थी सब शहरों में,
हलाकू अगर आ गया तो हिलाक हो जाएंगे, इसके फौजी सबको बर्बाद कर डालेंगे। हलाकू का नाम सुनते ही लोगों में दहशतदारी होती थी। तो दो सिपाही, दो फौजी हलाकू के बगदाद मुआयना करने के लिए आए तो लोगों में खलबली मच गई, अब जाएं तो कहां जाएं। तो हजरत मोहम्मद जाम रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग थे, उनके पास लोग दौड़ते हुए आए और वो वजू फरमा रहे थे, उनके हाथ में पानी का कटोरा था और आकर के लोग रोने लगे, हुजूर हलाकू आ गया, बगदाद तबाह कर डालेगा, बगदाद को बर्बाद कर देगा, आप बचा ले, अल्लाह के वली हैं, आप दुआ करें। उन्होंने अपनी कटोरी पलट दी और कहा जाओ, अल्लाह हिफाजत करेगा। रिवायत में मिलता है कि वो दो सिपाही ढूंढते ढूंढते रह गए, उनको बगदाद नजर ही नहीं आया, कोई बगदाद का न घर दिखा, न महल, न रास्ता, कुछ नहीं। वापस वो अपने बादशाह के पास जाकर कहते हैं, हम तो बहुत ढूंढ करके आए, बगदाद मिला ही नहीं। हलाकू ने उन दोनों सिपाहियों को कत्ल कर दिया, कहा कि तुम झूठ बोलते हो, मुझे बगदाद की रोशनी यहां से दिखती है और तुम्हें कैसे नजर नहीं आया, या तो तुम निकम्मे हो या तो फिर मेरे साथ धोखा कर रहे हो। कत्ल कर दिया। दूसरे दिन अपने खास दो वजीरों को भेजा कि जाओ बगदाद का मुआयना करके आओ, गलियां, वहां की सड़कें और वहां के महल्लात, वहां की इमारतें देख आओ। ये दो वजीर गए और ढूंढते रहे, जैसे ही वो बगदाद में इंटर हुए, आज फिर लोग हलाकू के इन वजीरों को देखकर दौड़े दौड़े भागते हुए इस अल्लाह के वली के पास आया, हज़रत मोहम्मद जाम। आज फिर रोने लगे, कहा हमारी बीवियां बेवा हो जाएंगी, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, सब मारे जाएंगे, आप बचा लें। आज फिर से उन्होंने कटोरी पलट दी, कहा जाओ अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह वालों का ये तसर्रुफ है, ये करामात है, वो चाहे तो पूरे लोगों को पोशीदा कर दे जालिमों की नजर से। दूसरे दिन वो वजीर भी ढूंढते रह गए, उनको भी बगदाद नजर नहीं आया, वापस गए बादशाह के, वो बड़े मोतमद लोग थे, कहा कि हम भी गए लेकिन हमको बगदाद नजर नहीं आया। हलाकू को बड़ा ताज्जुब हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, लोकेशन बिल्कुल सही है, हम सामने हैं, चंद मील के फासले पर है, और इनको बगदाद नजर क्यों नहीं आता। तीसरे दिन उसने कहा कि अब किसी मुआयने की जरूरत नहीं, कोई जायजा लेने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट जाते हैं, फौज को तैयार करो। पूरी फौज को लेकर के जब तैयार होकर वो बगदाद के सरहद पर आकर खड़ा हो गया, उसके जंग का बिगल बजा और तबाही के आवाजें आने लगी, तो आज लोग फिर दौड़ते हुए हजरत मोहम्मद जाम के पास आए और उनसे रो रो कर गिड़गिड़ाने लगे, कहा आज तो आफत आ गई, बड़ी बला आ गई। तवज्जो से सुनना मेरे अजीज, आज आप अगर ना बचाएं तो सब तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। आज आप अपनी कटोरी उठा रहे थे, उन्हें गैब से निदा आई, ए मेरे महबूब बंदे, कब तक तुम अपनी कटोरी उठाकर इनको बचाते रहोगे। इनको मोहलत दी गई थी अपने अमाल दुरुस्त करने की, ना इन्होंने तोबा किया ना अपने अमाल दुरुस्त किए, इनको इनके हाल पर छोड़ दो। अल्लाह के वलियों को हुक्म होता है अल्लाह का, अब इन्हें ना बचाया जाए, तो जाहिर सी बात है वो हुक्म इलाही के पाबंद है। उन्होंने वो कटोरी छोड़ दी, फिर हलाकू दाखिल हुआ बगदाद में और ऐसी तबाही मचाई थी कि पूरे बगदाद की सड़कों में सिर्फ खून ही खून था, तबाह बर्बाद कर दिया, ईंट से ईंट बजा डाली। इस वाकये को मैंने पढ़ा, उसके बाद ये महसूस हुआ अल्लाह के औलिया इकराम मदद जरूर करते हैं लेकिन एक वक्त तक, जब वो वक्त आ जाए अल्लाह की तरफ से मना हो जाए कि ये कौम बड़ी सरकश है, अब इनकी मदद ना की जाए, तो फिर ये हाथ उठा लिया करते हैं और इनको हालात पर छोड़ दिया जाता है। अजीजा ने गिरा में वकार, औलिया कामिलीन की करामतों पर भोंकने वालों से भी मैं यही कहूंगा, वो चाहे तो पल भर में हालात हमारे बदल दें, चाहे तो जमीन को उलट पलट दें, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म के पाबंद होते हैं। और लोगों के लिए ये बात है, नसीहत है कि जब ऐसे हालात आ जाएं, आप इधर उधर भागने की बजाय पहले अपने दिल की तरफ देखें, कहीं मेरे गुनाहों से दिल के धब्बे बढ़ तो नहीं गए, मेरा दिल सियाह तो नहीं हो गया,
सच बताओ मेरे अजीजों, इतने सख्त हालात के बाद कितने लोगों को ऐसी तौफीक हुई कि रात का अंधेरा छा गया हो और तौबा करने का जज्बा बढ़ गया हो, रात के वक्त बैठ करके रोने लग गया हो। फिलिस्तीन के गजा के उन मुसलमानों की हालत सार को देखकर रूह अगर तड़पती है और तुम अपने आमाल की सेहत और दुरुस्तगी के लिए तौबा कर ले जाते हो, ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की। फिर तुम्हें किसी करामत के जहूर की जरूरत नहीं, तुम्हारा बदलना ही दुनिया के हालात को बदल देगा, सब बदल जाएगा। लेकिन अगर उन्हीं हालात पर बाकी रहे तो फिर करामत से भी तुम नहीं बदलोगे और ना हालात बदलेंगे, कोई चीज नहीं बदलेगी। इन अल्लाह ला युगयिरु मा बिकौमिन हत्ता युगयिरु मा बिअन्फुसिहिम, कुरान में मेरा मौला फरमाता है बेशक अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक उस कौम को खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो। हम अपनी जानिब से शुरुआत करें और फिर हालात खुद बदल जाएंगे, हालात खुद बदल जाएंगे। सरकार सैयदना गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी रजी अल्लाह तआला जिस हाल में बगदाद तशरीफ लाए थे, उन उस जमाने को याद करें, उस जमाने को याद करें। वो ऐसा जमाना था कि उस वक्त हक बोलना एक जुर्म हो गया था। शिया नवाज खलीफा मौजूद थे, हजरत अबू बकर हजरत उमर का नाम लेने पर भी मस्जिद के दरवाजे पर कोड़े मारे जाते थे। ये वो हालात थे, उलमा की जुबानें गंग थी, बोल नहीं पाते थे, खुतबा क्या देना है वो बिल्कुल स्क्रिप्टेड, जो खलीफा वक्त चाहे बस उतना ही। आज जैसे सऊदियों के यहाँ ये रिवाज है, बादशाह की हिमायत में और बादशाह जैसा चाहे वैसी मस्जिद का मौलवी भी बोलता रहे। शरीयत क्या कह रही है, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या कह रही है, इससे क्या सरोकार, बस उतनी बातें करो जितनी उनके बादशाह की हिमायत की। ये दौर गौसे आजम के जमाने का भी था, उस वक्त हक बोलना एक बहुत बड़ा जुर्म था, उलमा को कोड़े मारे जाते थे। आपको पता है उसी बगदाद में सिर्फ एक हक बात का ऐलान करने की वजह से इमाम अहमद बिन हम्बल को 300 कोड़े मारे गए थे, उनकी पीठ झुक गई थी, उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई थी। कोड़ा किसको कहते हैं, कोई रस्सी को नहीं, चमड़े का वो बेल्ट जिससे वो मारते थे तो जिस्म की चमड़ी लग करके आ जाती थी। 100 कोड़े में तो आदमी मर जाता था, कोई बच गया बच गया। 300 कोड़े खाए, उस इमाम की बात कर रहा हूं जिसको मेरे नबी की 5 लाख हदीसें याद थी, वो इमाम अहमद बिन हम्बल, इतने बड़े इमाम अल हदीस। कोड़े खाते थे तो किस बात पर, सिर्फ हक बात का ऐलान बरसरे पैकार करते थे, सबके सामने करते थे। उन्होंने कोई बादशाह की रू रियायत नहीं की, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये क्या चाहते हैं, बल्कि हमेशा ये देखा कि मेरे नबी की शरीयत क्या चाहती है। मेरे अजीजों यही बड़ी करामत है, गौसे आजम की बड़ी करामतों में से करामत ये है। उस जमाने में आप बगदाद तशरीफ लाए जब हालात ऐसे थे कि हक बोलना दुश्वार था, और आप जब मस्जिद पर खड़े, मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर ऐलान करने लग गए, हैबत ऐसी तारी थी कि कोई आपको रोक ना सका। और आपके ये हक्कानियत की तबलीग फैलती गई फैलती गई, शुरू में 10 लोग, फिर 20 लोग, फिर 100-200, फिर 1000-2000। गौसे आजम ने चंद महीनों में जो खुतबात दिए, आपके खुतबात का आलम ये था कि फिर 70,000 का मजमा बराबर सुनने के लिए आया करता। और गौसे आजम का ये खुतबा एक नहीं, हजारों खुतबात हैं। जब जब आप खुतबा देते थे, एक बात याद रखें, जुबान अगर पाक हो और अल्लाह की नबी पाक की शरीयत ताहिरा बोलती हो, उस जुबान में बला का असर होता है, अल्लाह करीम की तरफ से असर डाला जाता है। हक बात अगर बुलंद आवाज से कहो, ये मत देखो कि मैं कौन हूँ, ये देखो कि कलाम किसका है। अल्लाह करीम लोगों के दिलों पर बात डालता है, गौसे आजम की जुबान से निकले हुए कलमात ऐसे हुआ करते, मजमा खत्म होने से पहले पता नहीं कितनों की तो लाशें उठाई जाती थी, कितने तो वहां बेहोश हो जाते। किस बात पर? इतना असर करता दिल पर कि लोग कपड़े फाड़ लेते थे,
खुतबे के अंदर बयान के अंदर ऐसा असर होता कि लोग बैठे बैठे मदहोश हो जाते, कोई जोश हाल में कपड़े फाड़ डालते। रिवायात में बताया गया कोई एक मजमा भी ऐसा नहीं जिसमें हुजूर गौसे पाक की तकरीर के बाद जनाजा ना उठाया गया। हर खिताबत के बाद और बोलते क्या थे, हैरत की बात है मेरे अजीजों। आज बाज लोग ये कहते हैं हम भी बहुत सारी चीजें बयान कर रहे हैं। मैं अपने लिए भी नसीहत और सारे उलमा के लिए भी कहता हूं, लोगों के पल्ले नहीं पड़ती, लोगों के कानों में नहीं जाती। ये जुमा में आते हैं सोते रहते हैं, जब इमाम खड़ा होता है नमाज के लिए तो ये झटका लेकर के खड़े होते हैं, बयान यूं ही चला जाता है। मेरे अजीजों दो चीजों की पाबंदी जरूरी है। मैंने पढ़ा था इमाम अहमद बिन हंबल, नहीं हजरत सुफियान सौरी रजी अल्लाह तआला, हजरत सुफियान सौरी नसीहत कर रहे थे और जब वो नसीहत करते तो लोग रो पड़ते थे, आखिरत को याद करते, कब्र की होलनाकियों का तस्करा करते तो लोग रोने लगते थे। एक बंदा था वो मजलिस में आया करता और खामोश बैठता और उस पर कुछ भी असर नहीं। एक दिन उसने पकड़ करके पूछा हजरत सुफियान से, आप जब बयान करते तो लोग धारे मार मार कर रोते, मुझे तो कुछ नहीं होता, मैं तो ऐसे ही बैठा रहता हूं। आपने क्या फरमाया? आपने ये नहीं फरमाया कि तू बदतमीज है, तू बदमाश है, तू बद अमल है। फरमाया दो में से एक खराबी हो सकती है, या मेरा दिल खराब होगा या तेरा दिल खराब होगा, इसलिए कि मैं बात रसूलुल्लाह की कर रहा हूं, इसमें असर तो होगा ही। दो में से कोई एक खराब होगा, ये नहीं फरमाया कि तू ही खराब। यहां पर हमारे लिए नसीहत बोलने वाली जुबान पाक हो और लुकमा हलाल का जाता हो, अल्लाह असर जरूर पैदा फरमाता। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला नु मिंबर पर खड़े होकर बयान कर रहे हैं, क्या बयान कर रहे हैं सुने। एक दिन आप हजरत अब्दुल जब्बार को बैठाए अपने बेटे को, वो बयान करते रहे, उसके बाद उतर करके आगे कहा, अब्बा जान आप जो बयान करते हैं उसमें जो रिक्कत तारी होती है वो मेरे बयान में नहीं होती, आप बयान कर। गौसे पाक मिंबर पर खड़े हो गए और सुनो 70,000 का मजमा है। गौसे पाक की तकरीर क्या है? डायरेक्ट शुरू फरमाते गौसे पाक, ऐ लोगों मेरे घर में आज एक बड़ा हादसा हो गया। अपने घर का वाकया बयान कर रहे, मेरे घर में आज एक अजीब हादसा हो गया। अब्दुल जब्बार की माँ यानी अपनी बीवी के बारे में कह रहे हैं, उनके बेटे हजरत अब्दुल जब्बार कहते हैं, अब्दुल जब्बार की माँ मेरे लिए दही मट्टी की हांडी में जमा कर रखी हुई थी, एक छीके से लटकाई हुई। गर्मियों के दिन थे, आज मेरी भी ख्वाहिश थी दही खाने की। मैं घर पहुंचा दोपहर के वक्त, दही की हांडी मेरी बीवी ने उठा करके दस्तरखान पर रखा था। मेरे पहुंचने से पहले ही एक बिल्ला आया घर में और पांव से झपटा मारा, वो दही का मटका गिर गया, टूट गया और दही पूरा जमीन पर बह गया। न मां खा सका न मेरी बीवी खा सकी, इतना बयान करना था कि लोग धाड़े मारकर रोने लग गए, कपड़े फाड़ने लग गए, लोगों के अंदर जोश हाल से कैफियत बदल गई। मेरे अजीजों कोई अपने घर का वाकया बयान कर रहा हो कि दही की हांडी फट गई, दही बह गया, इसमें कौन सी ऐसी बात है रोने की? ये हमारे और तुम्हारे लिए हो सकता है। गौसे आजम का मजमा भी अहले दिल का हुआ करता था, वो बसीरत वाले लोग बैठते थे। गौसे पाक क्या बयान कर रहे थे? गौसे पाक के बयान का मतलब ये नहीं है कि अब्दुल उनकी बीवी दही की हांडी जमाई थी और उनके लिए खाने का इंतजार कर रही थी। गौसे आजम अपने वाकये से दुनिया की हालत बता रहे थे, ऐ लोगों जिस तरह मेरे घर में आज मेरे खाने से पहले दही का मटका टूट गया और दही बह गया, सबकी हालतें तकरीबन ऐसी होती हैं। इंसान अपने लिए इतना कमाता है, इतना कमाता है, माल जमा करता रहता है और जब उसके खाने का वक्त आता है मलकुल मौत पंजा मारकर रूह निकाल लेता और सारा माल उसका धरा का धरा रह जाता है, ना वो चख पाता है ना खा पाता है। गौसे पाक रजी अल्लाह तआला ने ये दुनिया की हालात बता रहे थे और मेरे अजीजों आज भी वही हालात हैं हमारे।
आज भी वही हालात है। हमने कमाने के लिए अपनी सेहत गंवा दी, रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, दौड़ते रहे माल हासिल करने के लिए, इतना जमा कर लूं, इतना जमा कर लूं, इतना जमा कर लिया, जब तक तो सेहत बिगड़ गई, शुगर भी आ गई, बीपी भी आ गई, और ऐसी बीमारियां लग गई कि आप इनको ठीक करने के लिए जितना जमा किया था खर्चा करते रहो। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये दो कामों में तो इंसान की पूरी जिंदगी खत्म होती है। पहले कमाने के लिए सेहत गंवाता है और फिर सेहत बचाने के लिए माल गंवाता है। ये दो चीजों में गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की नसीहत यही थी कि इतना जमा कर ले जाते हो, इतना जमा करते हो कि फिर जब खाने का वक्त आता है तो मियां ऐसे हालात होते हैं कि नमक भी नहीं खा पाते, शक्कर भी नहीं खा पाते। दूसरी बातें तो छोड़ो, शुगर वाले शक्कर नहीं चख पाते, बीपी वाले नमक नहीं चख पाते। अरे ये बड़ी छोटी चीजें हैं, और माल देखो तो करोड़ों का है, अरबों का है, अरबों का माल पड़ा हुआ है, नमक नहीं चख पाते, शक्कर नहीं खा पाते, किसके लिए जमा किया था। और थोड़ी और बड़ी बीमारी हो गई तो पानी भी नहीं पी पाते, डायलिसिस चल रहा है, किडनी खराब है। कितने ऐसे लोग मिलते हैं आज, कितने ऐसे हैं जिन्होंने साफ मुझसे कहा कि डॉक्टर ने पूरा गिन करके कहा है कि पूरे दिन भर में जो है एक ढक्कन से पानी पीना, बोतल का जो ढक्कन होता है उस ढक्कन से बस बूंद बूंद चखते रहना, पानी ही ना पियो, इसलिए कि किडनी काम नहीं करती। ये दुनिया है मेरे अजीजों, हमने अपनी सेहत गंवा दी, पूरी की पूरी सेहत गंवा दी इसको हासिल करने के लिए। इसी को मेरे इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने कहा था, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली। लेकिन समझ में किसी को नहीं आता, उस वक्त समझ में आने लगता है जब जाने का वक्त होता है। जाने के वक्त हालात ऐसे होते हैं, मैं अक्सर अपने टूर में देखता हूँ, उमरा पे जाते हैं, बगदाद पे जाते हैं, खूब आयश से रहते हैं, सबको पता रहता है प्लेन में सिर्फ 30 किलो का अलाउड है, लेकिन मार्केट में जाते हैं तो उनको कुछ खबर नहीं होती, सब खरीद रहे होते हैं, हो जाए खरीद खरीद करके लाकर रूम में भर दिए, और आज शाम में जाना है तो ठोस रहे हैं इस बैग में उस बैग में, नहीं घुसा। और उसके बाद फिर एयरपोर्ट पहुंचे तो कभी इसको रिक्वेस्ट, कभी उसको रिक्वेस्ट, थोड़ा हमारा भी ले लो, थोड़ा हमारा भी ले लो, अरे वहां सबका 30 है, कोई लेने को तैयार नहीं। फिर खरीदा हुआ वही छोड़ करके हसरत भरी निगाह से देखते जाते हैं, किसी की खजूर छूटी हुई है, किसी के मुसल्ले छूटे हुए हैं, किसी के कपड़े छूटे हुए हैं। हर बार हम एयरपोर्ट पे देखते हैं, छोड़ करके जा रहे होते हैं, बड़ी हसरत से देखते हैं, मेरे अजीजों ये कोई लतीफा नहीं, सेम यही हालात जब दुनिया से जा रहा होता है एक इंसान, मरने से पहले उसकी आंखें फटी रह जाती है। क्यों कहा गया है मरने के वक्त सबसे पहले उसकी आंखें बंद कर दो, क्योंकि वो अपना माल देख रहा होता है, अपनी औलाद देख रहा होता है, अपना घर बार देख रहा होता है, मैंने इसको बनाया था, इस तरह से कमाया था, इस तरह से इसको पाला था, ये सब देखता रह जाता है, उनमें से किसी चीज को उठा भी नहीं पाता, ले नहीं जा सकता, यहाँ तक कि ऐसी हालत होती है खुद जा भी नहीं पाता, दूसरों के कंधों पर सवार होकर जाना पड़ता है। ये दुनिया की हकीकत, गौसे पाक की तालीमात अगर पढ़ते रह जाओ मेरे अजीजों, तसव्वुफ का एक ऐसा किला है, गौसे पाक की तालीमात काफी है तुम्हें तौबा करने के लिए, दुनिया में दिल लगाने के लिए और उससे दिल हटाने के लिए गौसे पाक की तालीमात काफी है। आपने फरमाया था दुनिया में ऐसे रहो जैसे कश्ती समंदर में चलती है, कश्ती समंदर में चलती है यानी पूरे भरे हुए मौजों के पानी पर कश्ती चल रही है लेकिन उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। हाँ अगर पानी कश्ती के अंदर आ गया तो फिर कश्ती के लिए खतरा है, डूब जाएगी। तुम दुनिया में ऐसी रहो कि तुम्हारे अंदर दुनिया ना आए, तुम दुनिया में हो तुम्हारे अंदर दुनिया ना आ जाए, अगर तुम्हारे अंदर दुनिया घुस गई तो डूब जाओ, फिर यहां से निकल नहीं पाते। मौलाना रोम इसी की मिलती जुलती बात कहते हैं मसनवी शरीफ में, जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, एक चींटी को देखा, शहद का एक कतरा जमीन पर गिरा हुआ है, शहद का कतरा चिपकने वाला होता है यानी उसके अंदर गम होता है,
चूंटी करीब से आई एक चुस्की लिए, शहद को चखा और जाने लगी। फिर आई पेट कहां भरता है चूंटी का मीठेस, अरे शहद तो पानी में भी रखो ऊपर से आके गिरती है और शहद खाना है उसको। और दूसरी तरफ से आई फिर गई, पेट नहीं भरा, चारों तरफ से उस कतरे को चाट चाट के गई। मौलाना रोम फरमाते हैं, फिर चूंटी के दिल में ख्याल आया, मैंने हर तरफ से तो शहद को चक्कर देखा, टेस्ट एक ही है, बीच कतरे में कैसा टेस्ट होगा, कतरे के बीचों बीच शायद अलग टेस्ट होता है। तो चूंटी ये सोच करके कतरे के ऊपर चढ़ गई, जो शहद का कतरा था उसके ऊपर चढ़ गई, कहा ऊपर चढ़ करके मैं चुस्की लूंगी इसकी और चखूंगी। और जब चढ़ गई तो उसके सारे पैर हाथ उस पे चिपक गए। चूप्स तो लिया, शहद खा तो लिया, लेकिन वापस आने का कोई रास्ता ही नहीं था। सारे हाथ पैर उस शहद के गम में चिपक गए, चूंटी की उसी कतरे में मौत हो गई। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, इंसान यही करता है, माल कभी इधर से कमाता है कभी उधर से कमाता है, हर जगह से देखता है, सारे टेस्ट ले लेता है, बाद में बड़े बड़े लोगों को देखता है, अरे नेताजी तो बड़े बंगले में, वहां कैसा ऐश होता होगा, कोई उस रिजॉर्ट में है वहां कैसी मस्तियां होती होंगी, वहां भी जाकर देख लूं, ये वहां भी यहां भी करते करते घुस जाता है और दुनिया में ऐसा मसरूफ होता है, उसकी मौत आ जाती है, तोबा की मोहलत नहीं मिल पाती, उसी दुनिया में फंस जाता है। मेरे अजीजों, गौसे आजम की तालीमात ये हैं, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कश्ती समंदर में रहती है, तुम्हारे अंदर पानी ना आने पाए, अगर तुम्हारे अंदर आ गया तो डूब जाओगे। इन तालीमात पर अमल करते हुए आज हम हालात देख सकते हैं, जितनी चीजों ने हमें बिगाड़ा है आज वो दुनिया की मोहब्बत है, वो दुनिया की मोहब्बत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान मैं सुनाता हूँ, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, वो आज के जमाने में अगर मैं आपके सामने बयान करूं तो ऐसा लगे हमारे लिए ही बयान हुआ है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, यूशक अन तदा अलैकुम अल उमम कमा तदा अल अकिलतु इला कुसअतिहा। करीब एक जमाना तुम पर आएगा, तुम देखोगे कि सारी जमातें मेरी उम्मत पर टूट पड़ेंगी, ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे भूखा बर्तन पे झपटता है, भूखा आदमी जैसे बर्तन पे झपटता है, ऐसे मेरी उम्मत पर सारी कौमें झपट पड़ेंगी। आज वही तो हालात है, आज वही हालात है, सबका टारगेट हम ही है, सबका निशान हम है। सहाबा ने पूछा उस वक्त, यौम इदिन मिन नहनु मिन किल्लतिन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, उस जमाने में हमारी तादाद कम होगी, ऐसा क्यों होगा कि सारे लोग हम पर झपट पड़ेंगे। नबी पाक फरमाते हैं, वलाकिन्नकुम कसीरून, नहीं तुम तो बहुत ज्यादा होंगे उस वक्त, गुसा अन का गुसा इस सैल, लेकिन तुम्हारी हालत समंदर के झाग की तरह होगी, यानी समंदर का कफ झाग जो होता है हवाओं से उड़ जाता है, तुम्हारी हालत ऐसी होगी, तादाद तो बहुत होगी लेकिन छोटी छोटी चीजों से बिलबिला करके भागने वाले लोग, ये प्यूरिटी नहीं रह जाएगी। फिर सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऐसी चीज हमारे अंदर क्यों आएगी? मेरे आका फरमाते हैं, वजह दो ही होंगी, दो चीजें जब तुम्हारे दिल के अंदर आ जाए तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों से, तुम्हारे दिलों के ऊपर काफिरों का, दुश्मनों का रौब डाल देगा, तुम डरते डरते जीने लग जाओगे, खौफ के आलम में जीने लग जाओगे। वो दो चीजें क्या है? मेरे आका फरमाते हैं, हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से बे इंतहा मोहब्बत करने लगोगे और मौत से भागने लगोगे, मौत से तुम्हें नफरत हो जाएगी, डरने लग जाओगे। ये दो चीजें जब तुम्हारे अंदर आ जाए, तुम्हारे दिलों पर काफिरों का रौब डाल दिया जाएगा, दुश्मनों का खौफ डाल दिया जाएगा। क्या ये दो चीजें आज हमारे अंदर आ गई है? नौजवान दुनिया में ऐसे मस्त हो गए, हर एक को अपनी मसलहत है, मेरी दुकान कैसे चलेगी, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। मौलाना तो तकरीर करते हैं, ये बोलते हैं, इनको कुछ हो गया हमारे बच्चों का क्या होगा। ये सारी मसलहतों की बातें मैं सुन सुन करके पक गया हूं। बहुत सारे लोगों को तो ये लगता है, इनके साथ मत बैठो वरना कल को इन पकड़ के ले जाएंगे, तुम्हारा भी नाम आ जाएगा।
बहुत सारे स्टेज पर उलमा के हालात पर अभी तो चल रहा है, चल रहा है। जिस दिन कोई टारगेट पर आए इधर उधर बैठने से भी डरने लगे। इनके ऊपर इतने केस हैं, बाजू बैठने वालों के भी हालात खराब हो जाएगी, हमारा भी नाम ना आ जाए। मेरे अजीजों, ये सब कीदड़ भपकियां हैं तुम्हारे ईमान का इम्तिहान। मैं तो यही कहता हूं, हमारे साथ कोई मामला नहीं। वही बात मैं कहता हूं जो अकबर इलाहाबादी ने कहा था, रकीबों ने रिपोर्ट लिखवाई है जाजा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। यही रिपोर्ट लिखवाते हैं जाजा करके। हमारी भी जहां रिपोर्ट लिखी हुई होगी बात यही होगी कि ये रसूलुल्लाह का नाम लेता है और उनके नाम पर लोगों को बात करता है, यही रिपोर्ट होगी। और इस बारे में हम कभी डरते नहीं। मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में वहां के हालात तो पता है, बिल्डोजर की हुकूमत चलती है। लेकिन मेरे अजीजों, एक मौलाना साहब ने कहा, आपके साथ जलसे में बैठकर मैं लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहा था, दूसरे दिन मुझे थाने बुला लिया और फिर मुझे बहुत ज्यादा मामला हो गए। कहा कि मौलाना तुम ही नारे लगा रहे थे, आप लोग ना डरे इंशाल्लाह। यहां पर तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं कहा क्या हुआ, फिर कुछ हुआ? कहा मुझसे कह रहे थे केस हो जाएगा, हालात बिगड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। मैंने कहा फखर करो मौलाना इस बात पर, दुनिया चोरी करके थाने जाती है और तुम नबी का नाम लेकर जा रहे हो, कौन सा मसला है? बात सिर्फ इतनी है मेरे अजीजों, हम बोलते रहेंगे उस वक्त तक जब तक अल्लाह तबारक व तआला ने जुबान रखी है। नबी पाक की अजमत और नबी पाक की शरीयत और औलियाए उम्मत की मिदहत बयान करना जुर्म है। ये जुर्म हम हजार बार करें, अगर ये जुर्म है हजार बार करें, बल्कि हम दार पर भी, फांसी के फंदे पर भी ये जुर्म करेंगे। क्योंकि हमारे असलाफ ने हमें ये बताया है, जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दें। खामखा बेचारे हमारे रिश्तेदारों को डरा करके रखे लोग, पुलिस वाले हजरात को कुछ लोग रिपोर्ट लिखवा लिखवा कर डरा करके रखे हुए। मैं आपको बता रहा हूं, एक साल में तकरीबन 170 के करीब जलसे करके आए, किसी एक जगह की भी रिपोर्ट निकाल करके बताओ कि हमने कहीं फसाद करवाया, हमने कहीं पर लोगों में माहौल बिगाड़ा हो या पब्लिक भड़क करके एक दूसरे के जंग करने पर आई हो, कहीं नहीं। अगर कौम को, सोई हुई कौम को बेदार करना तुम्हारे नजदीक भड़काना है तो ये भड़काना तो बहुत अच्छा है मेरे अजीजों। हमारा काम सिर्फ इतना है, हम उन नौजवानों से बात कर रहे हैं जो अपने नबी के फिदाई हैं, जो अपने नबी के आशिक हैं, और हम सिर्फ उस लौ को और बढ़ाना चाहते हैं जो इनके सीनों में जल रही है। इनके सीनों में किसी और की नहीं, मेरे मुस्तफा के मोहब्बत की शमा है। अगर वो मध्यम है, हम उसको तेज करना चाहते हैं। बस मेरे नौजवान से मेरा मुतालबा सिर्फ इतना ही है, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। मुझे बताओ, मैं तो दूसरे वाकयात बयान कर रहा हूं, यहां आपका करंट सिचुएशन, यहां लोग बैठे हुए भी हैं, रिपोर्टर भी होंगे और हजरात को मुझे मैंने अभी बयान में कौन सा भड़काया, ये जो कह रहे हैं अपने नबी को पुकार। मेरे अजीजों, तुम्हारे इन नारों से असल बात ये है,
दुनिया को ये लगने लगा है ये जिसके गुलाम है उसके पूरे होने लग गए तो फिर अच्छे अच्छों की कुर्सियां हिलने लग सकती हैं। इसलिए कि इस कौम की तारीख सबको पता है, ये वो कौम है। टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे देख क्या चीज, हम तोप से भी लड़ जाते थे। ये हमारी तारीख है, दुनिया को पता है। दस्तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इकबाल ने कहा है, थमता ना था किसी से सहले रवा हमारा। कुछ बात तो है कि मिट्टी नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। बातिल से डरने वाले आसमां नहीं है हम, सौ बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। इसी बात से, इसी बात को लेकर के मोड़ के बिगाड़ करके पैदा किया जाता है। हालात खराब हो जाएंगे आपके, बयान का हालात खराब नहीं होंगे। ईमान अगर मजबूत हो जाता है तो हालात खराब कभी नहीं होते, हालात खराब नहीं होते। आज ऐ सुन्नी मुसलमानों, गौसे पाक रजी अल्लाह तआला की निस्बत अगर कामिल है, ये बात सुन लो। वक्त खत्म होने को आ गया, मैं अपने वक्त पर समेट लूंगा। आप मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं, उलमा भी तवज्जो करेंगे क्योंकि ये भी मिंबर पर खुतबा देने के लिए खड़े होते हैं और जुमा में मस्जिद पर माइक लेकर के बयान करते हैं आधा घंटा पौना घंटा। अब तो हालात ऐसे आएंगे इनके साथ, अब तक तो ट्रस्टियों की चिट्ठियां आती थी, सदर सेक्रेटरी बोलता था मौलाना ये नहीं बोलना वो नहीं बोलना। अभी इसके बाद और आगे से भी आएंगे और चिट्ठियां आएंगी कि मौलाना अभी आपको क्या बोलना है इस जुम्मा में। ये डरे भपके हुए लोग जो उलमा की गर्दनों पर राज करते हैं, उनसे भी मैं कहता हूँ खोल दो, आजाद कर दो उन जुबानों को जो मेरे मुस्तफा की है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इनकी जुबानों पर ताले ना लगाओ, या उलमा तुम्हारे दीन के मुहाफिज है, तुम्हारी नस्लों की शरीयत के मुहाफिज है। आज इनकी जुबानों को बंद करोगे, कल तुम्हारे बच्चे नबी का नाम लेने से घबराने लग जाएंगे, डरने लग जाएंगे। उलमा के गलों में और इनकी गर्दनों में रस्सियां ना डालो। ये तो उन जालिम ट्रस्टियों से कहता हूँ, बाकी उलमा से कहता हूँ अगर हालात ऐसे आ गए ठोकर मार दो इनकी नौकरियों को। एक दरवाजा अगर ये बंद करते हैं, मेरा मौला 70 दरवाजे और खोलेगा। सुनो गौसे पाक रजी अल्लाह तआला नो किस बात से डरते थे। गौसे पाक का खुतबा बयान करने वाले मौलवी हजरा उलमा सुने, गौसे पाक किससे डरते थे? उनको डराने वाला कोई ट्रस्टी था, कोई हाकिम था? बल्कि हालात ऐसे थे। एक बार खिताब कर रहे हैं मजमे में, बहुत बड़ा मजमा है, खिताब के बीच दरमियान अभी वाज हो रहा है, एक काला सांप गिर गया आपके कंधे पर, सांप गिर गया और गिरा ही नहीं, गिर करके फिर वो आपके गले के अंदर से दाखिल हो गया, आस्तीन में आया, आस्तीन में आया और फिर इधर आया। वो लौट लौट करता रहा, लोग जो मजमे में बैठे थे उन पर हैबत तारी थी, वहशत तारी थी, कोई जगह छोड़कर इधर उधर हो रहा है, लेकिन गौसे पाक का कदम डगमगाया नहीं, ना जिस्म के अंदर कोई हरकत हुई। आपका बयान कंटिन्यू जारी रहा, उसी तरह जारी रहा। वो सांप कभी आपके सामने आया, कभी इधर आया और घूम फिर करके वापस चला गया। बयान आपका मुकम्मल हुआ, लोग खड़े हुए पूछते रहे, या सुल्तान अल औलिया सैयदी शेख कादिर जिलानी, आपके साथ ये जो माजरा हुआ, ये सांप इतना खतरनाक था, देख करके हैबत तारी थी और आप अपना बयान कंटिन्यू जारी रखे हुए थे, ये क्या माजरा है? गौसे पाक फरमाते हैं, वो सांप तो मुझसे कह रहा था, ऐ अब्दुल कादिर, तुझसे पहले 70 औलिया को भी मैंने ऐसे ही आजमाया है, 70 उलमा को मैंने ऐसे ही आजमाया है, और आजमा कर चला गया। गौसे पाक क्या फरमाते, सुनो ऐ लोगो, तुम मुझसे पूछ रहे उससे डरता था या नहीं डरता था? बात सिर्फ इतनी है, मैं उस कादिर का बंदा अब्दुल कादिर हूं, उस कादिर का बंदा अब्दुल कादिर हूं। मेरे उसकी कुदरत पर ऐसा यकीन है, अगर मौला ने मेरी मौत लिखी है
तो ये काले सांप से क्या, चूंटी से भी हो सकती है। और अगर मौत नहीं लिखी, इस तरह के हजार सांप मेरे गले में आए, मेरी मौत नहीं आ सकती। मेरा उसकी कुदरत पर यकीन कामिल है, इसलिए मैं उसका बयान कंटिन्यू रखा, जारी रखा। आज मैं यही कहता हूँ, ऐ सुन्नी मुसलमानों और इन उलमा से भी, अगर हमारी मौत लिखी है, छोटे से हादसे से भी हो सकती है, और अगर नहीं है तो वक्त का प्राइम मिनिस्टर भी तुम्हारी गर्दन पर पैर रखे, मौत नहीं आ सकती, क्योंकि कादिर मुतलक मेरा रब्बुल आलमीन है। वक्त हमारे वक्त का मुजद्दिद जब इस बात पर फखर करता है, या गौस तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। ये भी नहीं कहा डायरेक्ट गौसे पाक आपसे डायरेक्ट मुझे निस्बत है, ये नहीं कहा, बल्कि या गौस आपसे आपके दरबार को निस्बत है, आपके दरवाजे से आपके कुत्ते को निस्बत है, और आपके कुत्ते से मुझ अहमद रजा को निस्बत है। तुझ से दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। क्या बेहतरीन फार्मूला दिया है, डरने वालों के लिए ही आला हजरत ने कहा, जो खौफ खाया करते हैं, खौफ ना खा, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। आला हजरत फरमाते इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। सग फारसी लफ्ज है और कुत्ते को कहते हैं। कौन सी निशानी वाले सग नहीं मारे जाते? जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है उसको नहीं पकड़ा जाता। म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी भी आती है कुत्तों वाली, वो इंजेक्शन मार के जाते हैं या कुत्तों को पकड़ के ले जाते हैं। बहुत कुत्ते अगर आवारा हो गए, कंप्लेंट करो, कुत्तों को उठा ले जाएंगे। लेकिन उन उठा ले जाने वाले कुत्तों में अगर एक भी बेल्ट वाला आया तो छोड़ देंगे। क्यों? ये पट्टा बताता है इसका कोई मालिक है, ये आवारा नहीं है, किसी का पाला हुआ है, पट्टा बताता है इसका कोई मालिक है। और आला हजरत फरमाते हैं हमारे गले में कादरी पट्टा पड़ा हुआ है, और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे कादरी पट्टा तेरा। गौसे पाक का ये निस्बत का पट्टा पड़ा हुआ है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत सारी चीजों से महफूज रखता है। हमें जाहिर सी बात है आज इसी बात पर फखर भी है। लोग मौलाना साहब कह रहे हैं हक बात कहना इस जमाने में नहीं, हर जमाने में दुश्वार रहा है, हर जमाने में दुश्वार रहा है। लेकिन ऐ नौजवानों, अगर तुम्हें अपनी निस्बत पर यकीन है कि मेरा पीर गौसे आजम जैसा है, मेरी निस्बत मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, तो फिर खौफ किस बात का, डर किस बात का? इसीलिए हम धनके की चोट पर बोलते हैं, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अजीजा ने